समाज की दशा और दिशा बदलने के लिए अगर एक पहल खुद से ही शुरू की जाए तो फिर वो बाकी लोगों के लिए मिसाल बन सकती है। कुछ ऐसा ही किया है बागपत में कुछ लोगों ने, जिन्होंने एक पुरानी प्रथा के खिलाफ संयुक्त रूप से एक कसम खाई है। उत्तर प्रदेश का बागपत जिला एक छोटा सा शहर, जिसकी पहचान वैसे तो कई और वजहों से है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से यहाँ की पंचायतों ने जो फरमान जारी किए हैं उसकी चर्चा पूरे देश में रही है। कभी महिलाओं के मोबाइल रखने पर पाबंदी, तो कभी महिलाओं के पहनावे को लेकर सख्ती। अपने तुगलकी फरमानों के लिए मशहूर बागपत से एक अच्छी खबर आई है। इस मुगलिया शहर के लोगों ने मिलकर एक अच्छी पहल की है। शहर के मौलानाओं ने मिलकर यह फैसला लिया है कि वो ऐसे किसी भी निकाह में शामिल नहीं होंगे जिसमें दहेज लिया या दिया जा रहा हो। दहेज प्रथा के खिलाफ मौलानाओं की इस मुहिम का सबने समर्थन किया है। इस बात पे जो है तवज्जो दिलाएंगे कि यदि अगर कोई लड़की से दहेज की मांग करता है तो जितने भी मस्जिदों के इमाम हैं या मदरसे में पढ़ाने वाले हैं वो ऐसे शादियों में शिरकत ना करें और निकाह पढ़ाने से जो है गुरेज करें, बचे। और उसे भी हम इस बात की दरख्वास्त करेंगे। जिले के मौलानाओं ने अपने इस फैसले का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है कि दहेज मांगने वालों के लिए ना तो वो निकाह पढ़ेंगे और ना तो उनकी शादी में शरीक होंगे। अगर कोई भी परिवार शादी में दहेज मांगेगा तो कोई भी इमाम उस शादी में शामिल नहीं होगा। साथ ही दहेज मांगने वालों का पुरजोर विरोध भी किया जाएगा। जल्द ही इस फैसले को आसपास के जनपदों में भी पहुंचाया जाएगा। अपने इस कदम को आगे बढ़ाते हुए जिले के मौलाना रैली के जरिए लोगों को जागरूक बनाएंगे। बागपत जिले की यह पहल तारीफ के काबिल है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।